इजली वे में किसी के भी फोटो को किस तरह आप कपड़े पे ट्रेस करना है और उसकी ड्राइंग कैसे करनी है वो पार्ट के लिए, वो सब सिखाने वाली हूँ मैं। तो आप सब ज्वाइन हो जाइए ताकि आज का सेशन मैं शुरू कर सकूँ। ये हु पार्ट का हमारा फर्स्ट सेशन है और इसमें मैं आपको ड्राइंग करने की टेक्निक सिखाऊंगी ताकि आप सब, इसमें मैं एक कपल फोटो आपको सिखा रही हूँ, तो आप सब कपल फोटो या सिंगल फोटो भी किसी के बर्थडे पे भी इसे गिफ्ट दे सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे, गृह प्रवेश पे, बच्चों के भी किड्स को, फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन में भी आप अपने भाई की फोटो बना के या कुछ भी करके दे सकते हैं। ओके, या भाई बहन दोनों की बना के किस तरह से भी आप गिफ्ट पर्पस ये दे सकते हैं और इसे आप एक व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं और किसी के लिए भी गिफ्ट आप ऑर्डर से कमीशन वर्क पे कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप सब ज्वाइन हो जाइए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हाय जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कौन कौन ज्वाइन हुए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हाय जरूर करिए और आपके जो भी कुछ क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ आए, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, करते हैं। तो क्या लिया है मैंने, ये रिंग लिया और ये कॉटन क्लॉथ, देखिए इस तरह से एक कॉटन क्लॉथ लिया है और उसको इसमें स्ट्रेच कर दिया है। अब सबसे पहले इजली आपको किसी भी फोटो की जरूरत होगी, मैंने यहाँ कपल फोटो ये ट्रेस किया, कैसे किया अभी मैं करके दिखाऊंगी और दो टेक्निक मैं इसमें सिखाऊंगी इजली। सबसे पहले मैं मेरी टेक्निक सिखा रही हूँ ताकि आप प्रिंट आउट के बिना भी कैसे निकाल सकते हैं। आजकल के ज़माने में फ़ोन तो सबके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन, तभी आप फेसबुक और ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक एंड्रॉयड फ़ोन में मैंने ये फोटो लिया है। ओके, ये कपल फोटो का इसका बना रही हूँ मैं। तो इसको आप बड़ा छोटा फ़ोन में किस तरह भी करके घिसका के कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं। तो ये सबसे सरल तरीका बता रही हूँ कि अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपको फ़ोटो बनाना है, किसी ने सेंड किया, ऑर्डर पर वर्क कर रहे हैं, तो ये फ़ोन में फ़ोटो ले लीजिए और फिर इस तरह से रिंग में कपड़े को कस लीजिए और जहाँ भी आपको इस फ़ोटो को एडजस्ट करना है, ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए इसी पे मैंने किया है, ये इस पे मैंने रख दिया। ओके, और बस पेंसिल लेना है आपको और रिंग इसमें मत लगाइए, पहले आपको करना तो बस पेंसिल से, ये दिखा रही हूँ मैंने इसी से किया है और इस पर जो जो मुझे ड्राइंग दिख रही है बस इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। देखिए किस तरीके से बिना रिंग के आप कपड़ा फोन के ऊपर रख दीजिए इस तरह। बिल्कुल इजी टेक्निक है और आप इजली कर सकते हैं। लाइट को, ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिए फुल और बस ये आपको दिख रही है और इस पे आपको बस इस तरह से पेंसिल घुमा के ये पूरी जितनी ड्राइंग करना चाहते कर सकते हैं। अब आगे की भी बॉडी पार्ट करनी है आपको तो इस तरह से घिसकाते जाइए। ओके, इसे घिसकाते जाइए और जो हिस्सा, मतलब इसको यहीं रखिए और हल्का उठाइए, घिसकाते जाइए, एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक से आप अच्छे से नहीं कर पा रहे तो मैं आपको दूसरी टेक्निक भी बता रही हूँ। ये इजी टेक्निक मैंने बताई ताकि आप प्रिंट आउट और बिना निकाले भी इजली किस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरी टेक्निक में चलिए, दूसरी टेक्निक के लिए हमें क्लॉथ ले लेना है, पहले उसे बिछा लेना है और जिस फोटो का हमें कपड़े पर उसे ट्रांसफर करना है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ओके, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी इस तरीके से प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर कार्बन ले लीजिए। जैसे आप किसी को हैप्पी बर्थडे का दे रहे हैं, सिर्फ फेस बनाना है, पूरी बॉडी बनानी है तो बड़ा कार्बन रखिए और पूरी खाली फेस, क्योंकि हु पार्ट बना रहे, इधर फ्लावर्स और लेंगे, तो आप छोटा किसी के बर्थडे में इस तरह रख दीजिए कपड़े पर और पेंसिल से इसे ऊपर से घुमा दीजिए या एम्प्टी बॉल पेन से भी घुमा सकते हैं, पेंसिल की भी जरूरत नहीं, तो आपका क्या होगा वो कपड़े पर ट्रेस होके आ जाएगा। ओके, और फिर आप इसे रिंग में कस लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम फर्स्ट एक्रेलिक कलरिंग का प्रोसीजर करेंगे, वो किस तरह करना है वो पूरा लाइव सेशन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आपके साथ ये पूरा ये पोर्ट्रेट हम बनाने वाले बिल्कुल इजी वे में। ओके, तो इसमें ड्राइंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं भी आए और कलर शेडिंग भी अगर आपको इतनी नहीं आती है, मैं इजली वे में सिखाऊंगी, नहीं आती है फिर भी मैं इजी टेक्निक बताऊंगी, जिनको कलर शेडिंग नहीं आती वो सिर्फ ब्लैक आउटलाइनिंग कर ले
और जो नॉर्मल स्किन और जैसे एक एक कलर है वो सिंगल भर सकते हैं। ओके, तब भी आप बिल्कुल इस तरीके से अपने हूप आर्ट के लिए पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और जो नॉर्मल है हूप आर्ट, उसमें भी आप इसी तरह से कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। बैक का कर लीजिए, वो इजी है, और फिर क्लॉथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। हेलो नीरू जी, तो ये अभी काफ़ी चल रहा है और आप इसे ज़रूर सीखें। और जो भी सीखना चाहते हैं प्लीज़, पूजा जी, कॉटन क्लॉथ मैंने स्टार्टिंग में बताया, कॉटन क्लॉथ और एम्ब्रॉयडरी रिंग है फर्स्ट। तो एम्ब्रॉयडरी रिंग जिस साइज़ का आप ले रहे हैं, कोई भी साइज़ का आप ले सकते हैं, जो आपको चाहिए, बड़ा छोटा जैसा बनाना, उससे कॉटन क्लॉथ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ओके, ये लेना है, कस लेना है, और जो फोटो आपको लेना है वो लेना। साथ में हम हूप आर्ट के लिए जो रिबन्स बनाएंगे, रिबन एम्ब्रॉयडरी क्लास मैंने ली, उसमें बहुत सारी टेक्निक सिखाई है। और उसके लिए आपको जैसे फ्लावर, बड़े छोटे रिबन, हर कलर के, जो कलर के आपको बनाने हैं, तो वो रिबन्स आपको चाहिए। और रिबन की निडल मैंने बताई है कैसी होती है रिबन आर्ट में, वो सब आपको चाहिएगा। और ये रिंग को सजाने कुछ मोती बीट्स आपको जो भी लगाना है, और इस पर चिपकाने के लिए ग्लू गन हमें चाहिएगा, वो सब आगे का धीरे धीरे बताऊंगी मैं। अब फर्स्ट, और एक्रेलिक कलर पेंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक्रेलिक कलर्स चाहिए और ब्रशेस चाहिए। ब्रश राउंड ब्रश ज़्यादा लगेंगे, पतले हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है, मतलब छोटा है, तो 0 नंबर 1 नंबर इस तरह से राउंड नंबर लीजिए, और 000 आउटलाइन के लिए। तो ये सारे मटेरियल मैंने आप बता लिए हैं, आप लिख लीजिए, या आपको आप एक जन पूजा जी आप टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको याद रहे और कमेंट सेक्शन में आप पढ़ सकें और दूसरे भी इसे पढ़ सकें। तो क्या चाहिए हमें, फिर से मैं मटेरियल रिपीट कर देती हूँ, एम्ब्रॉयडरी रिंग, कॉटन क्लॉथ, पिक्चर जिसका आपको बनाना है पोर्ट्रेट, एंड रिबन्स, स्मॉल रिबन, ये देखिए पतले रिबन, और हर कलर के कलर आप अपने चॉइस से ले सकते हैं, और थोड़े बड़े रिबन्स भी मैं दिखा देती हूँ आपको अभी, किस तरह के रिबन्स चाहिए। ओके, ये देखिए, ज़्यादा बड़े वाले हमें नहीं चाहिए, ये मीडियम साइज के, 1 सेंटीमीटर वाले और 1/2 सेंटीमीटर वाले, अलग अलग कलर्स के आप रिबन ले लें। ओके, इस तरह से अपने कलर चॉइस के, और निडिल ले लें आप अलग अलग तरह के। नॉर्मल निडिल भी हमें चाहिए सुई धागा थ्रेड के लिए, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं, और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो आती है एंकर की, वो भी आप लिख सकते हैं अगर कुछ नाम और लिखना चाहते हैं आप, नहीं तो कलर से भी नाम लिख सकते हैं। और ये है निडल्स, अलग अलग साइज के ये निडल्स होते हैं, तो आपको मार्केट में इजली ये 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये में ये निडल्स का सेट आ जाता है। ओके, रिबन एम्ब्रॉयडरी का।